आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैविटी। स्फेरिकल जो भी चार्ज्ड है उसके अंदर में हमने कैविटी डील किया है और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन दोनों ख़त्म कर लिया है। इस लेक्चर को समझने के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इसके पहले का सारा वीडियो देख लो फिर आगे, ठीक है। कुछ छोटा छोटा बात का भी स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ जिसका हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा आज के पूरे लेक्चर में। उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो एक घंटे से ज़्यादा जाना चाहिए, कंटेंट है बहुत सारा, ठीक है। इसलिए थोड़ा पालथी मार करके पानी उनी पी करके बैठो, ठीक ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है ना, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हम लोगों ने सीखा था कि इसके बीच बीच में चार्ज थे। अच्छा वो एनिमेशन आ रहा था ना पिछले वीडियो में, कैसा लगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको। और भी चीज़ें हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे, उम्मीद कर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। अपने से ही एनिमेशन बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा तुम लोग लाइक वगैरह करो यार, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ना, आज के वीडियो में भी कोशिश करेंगे कुछ एनिमेशन को डाल दें, ठीक है। तो पहले तो यहाँ देख लो कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका कि डेंसिटी रो है, ठीक है, जिसका डेंसिटी रो है, और ये चार्ज यहाँ बीच में फंसा हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से स्टडी करके रखा हुआ है। अब तो रटा गया होगा ये सारा स्टडी, है ना, ये सारा बात तो एकदम रट गया होगा। तो इसके कारण हम लोगों ने देखा था कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, ई, जो आउटसाइड आ रहा था वो क्या आ रहा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर इसका डिस्टेंस आर हम मान लेते हैं, यानी आउटसाइड में, एट सरफेस देखे थे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई अगर हम लोग अंदर में बात कर रहे थे तो वो था हमारा रो आर अपॉन 3 ε0 या फिर के क्यू आर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। हम लोग इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने वाले, यानी कि इस स्फेयर के अंदर में हम मान लेते यहां पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इसका डिस्टेंस अगर आर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, रो आर अपॉन 3 ε0, रो आर अपॉन 3 ε0। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस पूरे स्फेयर के अंदर में किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने यहां मान लिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास जो नेट चार्ज बाय नेट वॉल्यूम आएगा वो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बस रिकॉल किया, पहला बात तो ये हो गया। सेकेंड नंबर में हम मेरा फेवरेट टॉपिक SHL, जो लगभग एक दो वीडियो के बाद आ ही जाता है ना, तो चलो ठीक है आज भी आ ही गया SHM। तो SHM के बारे में पहले एक दो बात सीख लेते हैं। SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और जब हम SHM करते हैं तो हम पहला बात तो यही करते हैं कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए वहां पर, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होना चाहिए कि उसके ऊपर में स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए ही रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, जिसको कि हम लिख देंगे ma के बराबर, है ना। और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हर समय एक्सेलरेशन के जो सॉरी ma होगा, जिसका कि वैल्यू हर समय माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टाइम्स ऑफ m लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पर ma जो लिखते हैं ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टाइप का होगा। और अगर हम यहां पर बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, i इंटू अल्फा, जो कि हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, है ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसके कारण जिसके हम लोग वो कंपेरिजन वगैरह करके ओमेगा फाइंड कर लेते हैं,
और ओमेगा फाइंड करने के बाद हम लोग लिखते हैं ओमेगा का वैल्यू हो जाता है 2π/T, तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। और ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, एक हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर में हम लोगों ने एक छोटा सा कैविटी क्रिएट कर दिया है यहां पर, ठीक है, एक कैविटी क्रिएट कर दिया है। सॉलिड स्फेयर का ये रहा सेंटर O, इसका सेंटर हो गया यहां पर O डैश, और इसका जो रेडियस है हम इसको कह देते हैं कैपिटल R, इसका जो रेडियस है हम इसको कह देते हैं कुछ R डैश, ठीक है, और यहां से जो यहां तक इसको मिला रहे हैं ये जो लाइन का लेंथ है ये स्मॉल R है, कह सकते हैं सही। यानी कि अगर हम ये बोल दें कि अगर R डैश है और हम इसे हटा भी नहीं रहे, ठीक है, अच्छा मतलब अगल बगल में ही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा बात है, चलो फिर से देखो, यही स्फेयर है, ठीक है, ये रहा सेंटर, हमने यहां पर एक स्फेरिकल कैविटी बना लिया, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर हो गया, इसका रेडियस हो जाएगा आर डैश, और ये डिस्टेंस जो है ये हम मानना चाहते हैं आर है, इसको हम कह रहे हैं ओ, इसको कह रहे हैं ओ डैश। इस पूरे में चार्ज है, इसमें चार्ज है पूरा भरा हुआ, इसमें चार्ज है, इस हिस्से में चार्ज नहीं है, यानी कि बीच में खाली है, यहां पर खाली है। अब हमको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है, कैसे करेंगे, हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमको जानना है इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी क्या होगा उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम इसको दो तरीके समझ सकते हैं, हम इसी पिक्चर को दो तरीके समझ सकते हैं, है ना, स्प्लिट करते हैं इस पूरे पिक्चर को। हम बोलते हैं मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, हम कह रहे हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है जिसमें कि पूरा रो डेंसिटी का हमने चार्ज भर दिया हुआ है, ये हो गया सेंटर ओ, और इसमें कहीं से भी कोई कैविटी नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस वाला जो सेक्शन है आर डैश, ये आर रेडियस का है ना, इसका रेडियस कितना आर है, ये जो आर डैश स्फेयर है ना, आर डैश रेडियस का जो स्फेयर है हम इसको भी यहां बना दे रहे हैं बगल में, और इसका रेडियस हो जाएगा आर डैश, ये सेंटर है इसका ओ डैश, और हम इसमें निगेटिव चार्ज भर दे रहे हैं जिसका डेंसिटी रो है, अगेन सेम डेंसिटी का एक चार्ज को हम यहां पर रख रहे हैं। अब जो बोल रहे ध्यान समझना, हम क्या करेंगे इसको उठा करके उसी ओ डैश पोजिशन पे ऐसे करके रख देते हैं, इसको उठा करके यहां पर रख देते हैं, तो इस वॉल्यूम में जितना भी चार्ज है उसको ये वाला वॉल्यूम में जैसे इंट्री करेगा उतना सारा चार्ज, हाइपोथेटिकली सोचो कि हम जो सोचवा रहे हैं रख तो नहीं सकते, इमेजिन करो कि इस जितना भी डेंस यहां पर चार्ज है उतना सारा डेंस जो भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा उन सब को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं समझ में आ बात है, यहां पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है भरा हुआ तो भरा हुआ है, ठीक है, और हम कह रहे हैं यहां कैविटी है, कैविटी किस चीज के लिए, हमारा मकसद किस बात का कैविटी क्रिएट करना है, हमारा मकसद है कि एक ऐसा रीजन तैयार करो जहां पर कोई चार्ज ही नहीं रहे, हमारा मकसद यह है कि वो एक ऐसा रीजन तैयार करो जहां पर कोई चार्ज नहीं हो, मास हो, हमको मास से कोई डील थोड़ी नहीं करना, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ी निकालना है कहीं पर, हमको इस बात से मतलब है कि वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि एक ऐसा रीजन इसको उठा करके हम एक एकदम फिक्स कर देते हैं, यहां पर बैठा देते हैं, तो कुछ ऐसा ही पिक्चर बाद में हमको दिख जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव स्फेयर में अगर हम निगेटिव स्फेयर को फिक्स कर दें तो हमको क्या दिखेगा, उस रीजन में वहां पर कैविटी क्रिएट हो जाएगा, मास रहेगा नहीं रहेगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस इस बात से मतलब रखना चाहते हैं कि वहां पर चार्ज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो जो है वही है, इसी पर स्टडी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम अब थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं इसको, बाकी सारा डेटा वहां लिखा हुआ, हमको स्टडी इसी पर करना है, हम एक काम करते हैं, हम किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम पी उठाते हैं, हमको इस जगह पर कर जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये पी पॉइंट को हम यहां पर भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, है ना, थोड़ा ध्यान से ऐसे
इतना डिस्टेंस पर यहां पर हम पी पॉइंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया पी पॉइंट। ये क्या हो गया? पी पॉइंट, जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यही पी पॉइंट इससे इतना डिस्टेंस पर है, तो हम इससे इतना डिस्टेंस पर यहां पर वही पी पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर उठ करके जाएगा तो पी पॉइंट पर अच्छे से ओवरलैप भी कर जाएगा, देखो तरह से करके, है ना, पी पॉइंट पर चला जाएगा, बाकी स्फीयर ऐसे करके क्लियर हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत है? हम एक काम करते हैं, इस लाइन को मिला दे रहे हैं, इस लाइन को मिला दे रहे हैं और इस लाइन को मिला दे रहे हैं। अब हम ये जो लेंथ है, हम इसको कह रहे हैं कोई वाई वेक्टर, है ना, या वाई वेक्टर कर देते हैं इसको। यानी कि ये जो लेंथ है ना, यहां से हम देखेंगे इसको, तो हम इसको वाई वेक्टर कर देते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण पी पॉइंट पर निकाल सकते हैं क्या? क्या होता है स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन जीरो होता है ना, होता है ना, ये नहीं पढ़े थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पर ड्यू टू दिस पॉजिटिव स्फीयर इज इक्वल टू क्या लेगा, रो आर, यहां से लेकर कितना है, वाई वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा ना, रो वाई वेक्टर। निगेटिव वाले के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा एक्स वेक्टर है, निगेटिव, यानी कि ये भी लेंथ कितना हो गया x, ठीक है, अब ये हो गया x वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा p पॉइंट पर, निगेटिव है तो अंदर की तरफ आ रहा होगा, आ रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो कितना हो जाएगा, रो x अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो होगा इसका, क्योंकि इसका भी डेंसिटी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या बनेगा, रो x वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो बट निगेटिव, क्योंकि x वेक्टर हम ऐसे लिए हैं तो निगेटिव इधर बनेगा। अरे बस समझे, ऐसे आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पी पॉइंट पर देखें, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इसको भी ओवरलैप करवा रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा, दोनों का ऐड कर देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आएगा वो यही आएगा कि रो वाई वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, माइनस है ना लिखा हुआ, रो एक्स वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो बाहर आ गया, यहां से आ गया वाई वेक्टर माइनस में एक्स वेक्टर, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो। अब देखो वाई वेक्टर माइनस में एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, तो अगर हम थोड़ा एनालाइज करें यहां से, ये हम बोल रहे हैं ये रहा हमारा वाई वेक्टर, कह रहे माइनस में एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर तो ऐसे था ना, तो माइनस एक्स वेक्टर ऐसे हो जाएगा क्या, ये ना पहुंच जाएगा ओ डैश के पास और ये हो गया ओ, यानी कि हम ऐसे चले और ऐसे चले, तो यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला आ जाएगा जिसको हम कह रहे हैं आर वेक्टर कह रहे हैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज कॉन्स्टेंट एंड अलोंग ओ ओ डैश, देखो ये ओ ओ डैश, यानी ओ इसके सेंटर से इसके सेंटर को जो मिलाने वाला जो लाइन होगा उसके पैरेलल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हर जगह पर सेम रहेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां तक पहले कॉपी कर लो, अभी स्टडी करते हैं इस पर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्फेरिकल कैविटी बन रहा है बीच में कहीं पर भी, इसका सेंटर हम कह रहे हैं ओ डैश है, इसका सेंटर है ओ, और इस दोनों का लाइन हमने ऐसे मिला दिया और ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर समय ऐसे होगा, अगर ये प्लस है, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की तरफ होगा और वो पैरेलल होगा, यानी कि इसी के डायरेक्शन में होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा इसी डायरेक्शन में और कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एकदम पॉइंट करके याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, ठीक है, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट हुज मैग्नीट्यूड इज रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो एंड पैरेलल टू, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर,
लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेयर्स, ठीक है। और आर क्या है यहां पर, आर जो है ये ओ ओ डैश का लेंथ है, ये भी याद रखना है, ओ ओ डैश का लेंथ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कांस्टेंट आ गया। अब अगर हम देखें इस बात को, अच्छा ठीक है यहां तक समझ में आ गया, हम इसको थोड़ा और दूसरा भी एक दो पिक्चर और दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। सपोज करते हैं कि मैंने एक ले लिया स्फीयर ये, और एक स्फीयर ले लिया ये, ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं रो डाल दिए और इसमें हम माइनस में रो डाल दिए, ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ इसके बीच वाले हिस्से में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच वाले में कितना होगा, हमको ये निकाल के दिखाओ, इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ डैश, जबकि इसका रेडियस मान लेते आर वन है और ये रेडियस है आर टू, ठीक है, ये आ चुका है जेई में। तो हमको किसी इसके बीच में हमको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कि वो किधर की तरफ होगा और कैसे होगा। सेम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, है ना, हम इस पिक्चर को थोड़ा ऐसे करके दिखाते हैं, इस पे ये क्योंकि प्लस है इस पे प्लस चार्ज होगा, और यहाँ माइनस रो है तो इस पे माइनस चार्ज होगा, एक बात तय है। अगर हम ओ को दिखाएं तो ये ओ है क्या, और हम इस पॉइंट को पी कर देते हैं, इस पॉइंट को, और हम इसको कर देते हैं ओ डैश, हम इसको बोल देते हैं वाई वेक्टर, निगेटिव है इधर की तरफ हो जाएगा अगला एक्स वेक्टर, जो रिजल्टेंट बनेगा वो यही ना बनेगा आर वेक्टर, यानी कि जो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओपी वेक्टर क्या आएगा, ये रो वाई वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी ओ डैश बेसिकली आ जाएगा रो एक्स वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो। नेट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन पैरेलल टू ओ ओ डैश आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से में भी क्या होगा, पैरेलल होगा इस दोनों लाइन के मिलाने वाले लाइन की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय कांस्टेंट होगा कैविटी में, और उसकी वैल्यू आ रही है सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल, कोई दिक्कत है, जिसका मैग्नीट्यूड भी आएगा ओ ओ डैश के प्रोडक्ट के साथ में, यानी रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, और आर हो जाएगा यहां से तक का लेंथ। अब ये स्मॉल आर है जो कि कैपिटल आर वन और आर टू को ऐड नहीं कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्रेक्शन हुआ है यहां पर, ठीक है, तो ये जो भी आर आएगा उसके बारे में। लेकिन सवाल यही था कि ये क्या होगा, बस चार ऑप्शन थे जिसमें से हमको ये आइडेंटिफाई करना था कॉन्स्टेंट है, तो खुश रहो, पार्टी है, करो अगर पता होगा कैसे करते हैं तो। कोई दिक्कत है, छाप लो इसको थोड़ा अच्छे से, ठीक है, एक और कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से, हो गया। अगला है हमारा, हम लोग हॉल ये जो है नॉन कंडक्टिंग एक सिलेंडर भी देखे थे, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी देखे थे, ये था हमारा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। हम इसमें भी एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिए, है ना, सिलेंड्रिकल होल है ये, सिलेंड्रिकल होल है, हमने इसको भी क्रिएट कर दिया हुआ, और इसका भी हम कह रहे हैं ओ है ये ओ डैश है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता था वो रो होता था रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, याद करो सिलेंडर के अंदर में, सिलेंडर के अंदर में रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, बोले थे याद करने के लिए सब बात, है ना, तो रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो अगेन हम क्या बोलेंगे कि इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, ओ ओ डैश के पैरेलल में आएंगे, सेम तरह से प्रूफ कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर में रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इन साइड द कैविटी, है ना, तब इन साइड द सीधे लिख देते हैं कैविटी, तो रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो सेम अगेन पैरेलल टू सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ द बिगर सिलेंडर टू सेंटर ऑफ द स्मॉलर जो होल क्रिएट किए उसके पैरेलल में होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब भी कैविटी बन रहा है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में बैठा लो अभी से, हम बड़ा बड़ा सुन लो फिर से, सुना, हेलो आवाज आ रही है, ओके सुनना, चार्ज हम इसके अंदर में नहीं रखे हैं, सुना है पड़ा,
कैविटी के अंदर में चार्ज नहीं रखे हैं, नो चार्ज इनसाइड द कैविटी अभी तक। अगर चार्ज आएगा कैविटी में तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस पर, ठीक। अभी कैविटी है उसमें चार्ज नहीं है, हमने जो चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर में हमने कैविटी डील किया है। दो पिक्चर सीखे हैं, एक सिलेंडर था जो अभी सिलेंडर वाला और एक पीछे स्फीयर वाला, ठीक है। अब इस पे कुछ कंडीशंस, तो अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, एक स्फीयर है और स्फीयर में हमने एक छोटा सा सेक्शन यहां पर से काट लिया गया, ठीक है, ऐसे। ये सेंटर ही है, वो इसका सेंटर है यहां पर ओ डैश, ये पूरा का पूरा आर दिख रहा है और ये हो जाएगा आर बाय टू, इसका डेंसिटी रो दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि इस पे जो अभी जो दिख रहा है सेक्शन, इस पे नेट चार्ज क्यू है, जो कट उठ करके बचाओ चाहे, इस पे नेट चार्ज क्यू है, डेंसिटी रो है ही, इस पे नेट चार्ज क्यू है, तो हमको निकालना है किसी बाहर वाले किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सेम तरीका लगाएंगे, इस पूरे स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे बाहर में। अब फिर ये जो है हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं, ये हमारा निगेटिवली चार्ज स्फेयर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटसाइड, तो पॉइंट चार्ज कितना बिहेव करता है, वो तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, पता है ना। तो हम इसको थोड़ा देखने का तरीका हम बदल दे रहे हैं, हम कह रहे हैं मेरे पास एक कंप्लीट स्फीयर है और हम यहाँ पी पॉइंट दिख रहे हैं हमको, जो कि डिस्टेंस है हमको एक्स, ठीक है, हमको एक्स डिस्टेंस ये दिया हुआ, और हम बोलते हैं इस पूरे पर हम पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो हमको बताओ इसका चार्ज पहले कितना था, हम बोलते हैं इसका चार्ज है क्यू वन, चार्ज है क्यू वन। थोड़ा एक बात और बताओ कि ये चार्ज क्यू किस पर है, पूरे में तो है नहीं ना, पूरा स्फीयर में नहीं है, सिर्फ उस वाले में है जिसमें कि ये है, ऐसे इस वाले में तो चार्ज है ही नहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो इस बात इसमें है कि 4 बाय 3 पाई इंटू आर का क्यूब माइनस में 4 बाय 3 पाई इंटू कैपिटल आर बाय 2 का होल क्यूब में से है ना, पूरा में से इतना वॉल्यूम घटा देने में ही ना चार्ज है क्यू, कह सकते क्या, यानी इस वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, तो हमको निकालना है पूरे में, यानी कि 4 बाय 3 पाई आर का क्यूब कितना चार्ज है ना, पूरे का चार्ज है ना क्यू है, हमको ये निकालना है, ये कितना कैसे हो जाएगा बता दो, दिस इंटू दिस बाय दिस हो जाएगा, यानी क्यू इंटू 4 बाय 3 पाई आर का क्यूब अपॉन ये, इज इट ओके, तो क्या हो जाएगा 4 बाय 3 पाई इंटू आर का क्यूब, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा 1 माइनस में 1 अपॉन 8, अरे बस हमें ये तो कट गया, तो बेसिकली कितना हो गया 7, नहीं 8 में से 1 चला गया तो 7 हो गया ना, यानी 8 क्यू अपॉन 7 क्यू वन हो गया, तो क्यू वन का वैल्यू कितना दिख रहा है 8 क्यू अपॉन 7 क्यू वन का वैल्यू, तो अगर हम क्यू टू बोलते तो वो हमारा क्यू अपॉन 7 हो जाएगा, है ना, इसके अंदर में क्यू अपॉन 7 चार्ज है, ये बात समझ में एकदम सिंपल सा, हम ये क्या होता है यूनिटरी मेथड लगा देंगे, कॉपी कर लो पहले इसको, कैसे हम निकाले, ये हो गया हमारा क्यू वन, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब हमको निकालना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह रहे हैं मेरे पास एक निगेटिव स्फीयर भी तो है और इस पर है चार्ज क्यू टू, यहां यही ना पॉइंट पी है, तो यहां से आता डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स माइनस में आर बाय टू होगा क्या, ये तो पूरा आर है ना, ये डिस्टेंस आर बाय टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो गया एक्स माइनस में आर बाय टू, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा इस बड़े वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि के क्यू वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, प्लस वाले कारण बाहर की तरफ, निगेटिव वाले कारण अंदर की तरफ, तो घटेगा, तो के क्यू टू अपॉन, अब इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है एक्स माइनस में आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया के क्यू वन के जगह पे लिख देंगे एट क्यू अपॉन
सेवन एक्स का स्क्वायर माइनस में के क्यू अपॉन सेवन एक्स माइनस में आर बाई टू का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? इजी क्वेश्चन है ना, के क्यू बाय सेवन निकाल लो, बाकी तो सॉल्व कर लेना अपने से, कोई मतलब का तो चीज है नहीं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। यहां से पूरा का पूरा अब हम लोग कैविटी के अंदर में घुस चुके हैं, ठीक है। और एक हमने एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज याद करो, जो कि इसके किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे चार्ज को हमने लिया है, बहुत छोटा सा चार्ज है और इसका मास है m, और उस चार्ज को हम किसी भी जगह पर, यहाँ पर 37 डिग्री पर, ये 37 लिखे, 37 डिग्री है, देखो ओ ओ डैश लाइन से 37 डिग्री पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रख करके छोड़ दिए, रेस्ट में है। यानी कि चार्ज अभी कैसे है, रेस्ट में है। तो हमको ये जानना है कि ये अदर, मतलब इसका पहले मोशन कैसा होगा, ठीक है, पहला तो सवाल यही है। तो इसी सब पर एनालाइज करते हैं ना, देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे मिस्ट्री खोलते हैं इस पर, है ना। तो चलो देखते हैं। हमको ये बात पता है कि इस जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर को अगर एनालाइज करोगे तो हमको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल होते हैं, है ना। किसके पैरेलल होता है, ओ ओ डैश को मिलाने वाला, है ना, ओ ओ डैश को लाइन को जो मिला रहा है लाइन, उसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो कॉन्स्टेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो तो क्यू ई होगा और वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और एक और बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगेगा, यहाँ पर मानते पॉजिटिव चार्ज है, है ना, इसके ऊपर सपोज करते हैं, यहाँ पर हमने एक चार्ज को रख दिया, इसके ऊपर फोर्स भी इधर ही लगेगा जिसका वैल्यू क्यू ई हो जाएगा ना, तो फोर्स भी इधर ही लगा। यानी कि ये चार्ज बेसिकली अगर रेस्ट पे है तो इसका मोशन कहीं ना कहीं इस ओ लाइन के पैरेलल में इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इस, ये पॉजिटिव चार्ज का ये है डेंसिटी रो है, हम अब इसका पिक्चर बना रहे हैं, है ना, बड़ा ऐसा कैविटी का, ठीक है, ताकि हम ज्यादा क्लियर पिक्चर बना सके। अब अगर देखो कि ये जो चार्ज है यहां पर qm, वो रेस्ट से चला है, इस पर फोर्स लगा है इधर की तरफ, ये रेस्ट चलेगा तो फोर्स लगा इधर की तरफ, ये चलते 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 यहां पर हिट करेगा पटाक से, यहां से जाएगा 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 यहां पर हिट करेगा। हम अगर मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है हमारा कुछ x है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, और ये अगर 37 डिग्री है और ये डिस्टेंस है हमारा r बाय 2, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये 37 है, ये भी 37 डिग्री हो जाएगा क्या, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, x बराबर r बाय 2 का cos 37 का डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ r बाय 2 cos 37 डिग्री, यानी हो गया r, और cos 37 का वैल्यू क्या होता है 4/5, यानी कि 4r/5 हो गया ये x डिस्टेंस। जो एक्सेलरेशन आएगा इसका वो आ जाएगा कितना, क्यू ई अपॉन एम, और क्यू ई कितना हो गया इसके अंदर में, रो आर अपॉन 3 ε₀, एन था रो आर, यहां से देखा डिस्टेंस कितना है आर बाय 2 है, यानी कि आर बाय 2 बाय 3 ε₀। थोड़ा ध्यान से देखो तो क्यू रो आर बाय 6 ε₀, ये हो गया हमारा यहां पर एक्सेलरेशन, और जो कि दिख रहा है कॉन्स्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज नहीं बदल रहा, डेंसिटी नहीं बदल रहा, रेडियस नहीं बदल रहा, सिक्स नहीं बदल रहा, एप्सिलॉन जीरो नहीं बदल रहा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इस पे सारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, वो वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax वाला सर। तो चलो ठीक है, अगर हमको एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा है, ये जब यहां हिट कर रहा है तो कितना स्पीड से उसको हिट कर रहा है, ये सब निकाल सकते हैं। तो पहले हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी डिस्टेंस आ चुका है एक्स का वैल्यू, हमको ये निकालना है कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है। पाथ तो समझ में आ गया ना, कि ये इस पाथ को फॉलो करेगा,
इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते यहां पर हिट करेगा किसी भी वेलोसिटी से ऐसे, ठीक है, और जाने में समय लगा इसको टी। फील हुआ, देखो हम कैविटी के अंदर में चार्ज रख दिए और उसके पाथ को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि जो एक्स है वो हो जाएगा यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पर था, हाफ ऑफ एक्सलेशन की जगह क्या बोलेंगे, इरेज कर देना, एक्स वैल्यू क्या था 4r/5 था, एक्सलेशन की जगह क्या लिखेंगे क्यू रो आर अपॉन 6ε0 इंटू टी स्क्वायर, और एक्स वैल्यू था 4r/5, आर से आर खत्म हो गया और कोई नहीं कटा जी, ठीक है, 6 × 2 = 12 यानी कि 48ε0 5 और यहां हो गया क्यू रो का रूट ये हो गया टी। इतना टाइम लगेगा इसको यहां से तक पहुंचने में, ठीक है। अगर हम निकालें इसका वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या यू प्लस में एटी, यू जीरो हो गया, एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है q रो r अपॉन 6ε0 इंटू टाइम का वैल्यू दिख रहा है यही है, तो रूट ओवर 48ε0/5 q रो, इतना भी वेलोसिटी से जाकर के इसको हिट करेगा, ठीक है। पूरा अच्छा से एनालाइज हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देखो, अगर ये कैविटी है, कैविटी के अंदर में 37 डिग्री पर हमने चार्ज को छोड़ा, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, क्यों लगेगा फोर्स इधर की तरफ, क्योंकि फील्ड ही हमारा इधर की तरफ है, तो फील्ड होता किधर है, सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन के तरफ होता है। तो हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पैरेलल है, अभी तक तो ये सारा स्टडी कर रहे थे, तो हमारा अगर पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके था, तो इसमें क्या होगा कि रेस्ट से था, इसका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन के कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 बहुत ज्यादा स्पीड से मारेगा, प्राक कितना समय के बाद हिट किया वो ये है, कितना वेलोसिटी से हिट किया ये है, कितना एक्सेलरेशन था वो ये है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो सवाल है इसमें कह रहा है कि चार्ज यहां से हम छोड़े हैं, देखो पहले वाला सवाल में क्या था, चार्ज को हम इधर छोड़े थे, देखो अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इस लाइन के इधर छोड़े थे, तो ये चार्ज हमारा ऐसे ऐसे जाते जाते यहां पर हिट किया था। अब हम चार्ज को बेसिकली यहीं पर रेस्ट पे रखे, यहां पर रेस्ट पे रख करके छोड़ दिए, तब एनालाइज कर दे चीजों को, और कुछ सवाल भी हमारे पास, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज निकालना है, सब कचरा हो रहा, समझते हैं पहले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर, है ना, इस पिक्चर को हम फिर से बना रहे हैं बड़ा ऐसा, है ना, हम जो बगल में पिक्चर बना रहे हैं वो इस कैविटी का पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये कैविटी को थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ये हो गया सेंटर, और हम इस चार्ज को यहां पर रख देंगे, देखो ठीक है, 37 डिग्री पर है ये, और ये डिस्टेंस हो गया r/2, अगर हम कुछ डिस्टेंस वगैरह पता कर पाए, ये वो डैश हो गया, और हम इसको p कह देते हैं, इसको हम m कह देते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होगा, ये ओडैस है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ओडैस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा r/2 का cos 37 डिग्री, तो r/2 cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5, यानी हो गया 2r/5। तो हम अगर pm का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो pm का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ तो r/2 है ना, तो r/2 में से ये लेंथ घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि r/2 माइनस में 2r/5 आ जाएगा, तो 5 में से 4 चला गया तो r/10 हो गया ये डिस्टेंस, r/10 हो गया, ये सब हम निकाल लिए छोटा सा, अब स्टडी करते हैं, है ना, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी, ताकि थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो। अब एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है, सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाला लाइन क्या पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इस पर ऐसे ही लगेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू ई, हो जाएगा ना। अब ये चार्ज ऐसे चिपका हुआ है तो हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं इधर की तरफ होने वाला है, नॉर्मल क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल बनने वाला है, अरे सुन, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है,
तो कहीं ना कहीं दोनों फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स बनने वाला वो इधर बनने वाला है। एफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है पता है ना, पहला फोर्स दूसरा फोर्स फिर दोनों के बीच में 2ab cos थीटा का बड़ा ऐसा रूट। एफ रिजल्टेंट क्या होता था, रूट ओवर एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। दो वेक्टर अगर हो तो दोनों के रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे, ठीक है, तो वैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, तो देख सकते हो कि भाई नेट रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं इधर आने वाला है ना, तो इस चक्कर में ये चार्ज इधर की तरफ घसीटा आएगा। हार गए तुम्हें, फोर्स इधर लग गया तो ये चार्ज इधर की तरफ घसीटा आएगा। क्यों घसीट आएगा इस पर ही स्टडी करते हैं। तो अगर थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको, क्यूई का एक कॉम्पोनेंट क्योंकि ये भी 37 बनेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ कटेगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर में, तो ये जो जाएगा QE का साइन 37 डिग्री हो जाएगा। अरे उसमें QE का साइन 37 डिग्री इधर हो जाएगा और ये QE का cos 37, QE का cos 37 वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा यहां पर लिख सकते हैं QE cos 37 डिग्री, और QE का cos 37 डिग्री जो है वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, जो QE साइन 37 डिग्री है वो इस चार्ज को इधर तरफ खींचेगा। अरे बोलो, इस चक्कर में ये चार्ज अभी रेस्ट में है, फोर्स लग रहा है इधर घसीटा रहा है, घसीटाते यहां पर आते जाएगा और आते आते सेम आइडेंटिकल पोजीशन पर यहां पर जब आ जाएगा तो सेम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और फोर्स फिर से ऐसे लगने लगेगा। नहीं समझा बात, एक तो फोर्स फिर से यहां पर ऐसे लगेगा ना जो क्यूई है, तो उसका एक साइन थीटा कंपोनेंट फिर ऐसे लगेगा, यानी कि चार्ज ऐसे आते जाएगा अब फिर से ऐसे चलेगा, यानी कि ये दोनों के बीच में एक पीरियोडिक मोशन करेगा। SHM नहीं होने वाला है क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है, यहां पर एक पीरियोडिक मोशन करेगा, रेस्ट से चला था मैक्सिमम वेलोसिटी यहां अचीव करेगा, फिर जीरो वेलोसिटी, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। सवाल यही था ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा और कितना होगा, ठीक है, तो यहां पर होने वाला है इसका भी मैक्सिमम, हमको यही निकालना है, ठीक है, फील हो गया, पूरा फिजिक्स दिख गया इसके अंदर में कैसे कैसे काम हो रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी बात कर सकते हैं क्योंकि देख सकते हो इस जगह पर QE भी लग रहा होगा इधर की तरफ, और क्योंकि ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ में तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा बीच कर रहा उधर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन ही मैक्सिमम इसी जगह पर आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे बनने वाला है जिसका वैल्यू हम एन मैक्स कह सकते हैं, यहां पर ही निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरा पिक्चर, हम इसको इरेज कर दें। अब सॉल्व करते हैं, अब बात हो रही है वेलोसिटी का, तो हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि हम लोग इसमें तो होशियार हैं ही, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में वर्क नेट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, शुरुआत में रेस्ट में था वर्क कौन कौन कर रहा है, तो बॉडी बेसिकली यहां से था फाइनली यहां पहुंचा, हम जहां पर बात कर रहे थे इधर की तरफ लेके जाने वाला जो फोर्स है वही वर्क कर रहा है। इधर की तरफ कौन लेके जा रहा है, देखो तो इधर की तरफ सिर्फ क्यू ही लग रहा है, क्या लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो देखो ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो क्यू ही ना लग रहा है इधर की तरफ का फोर्स, क्या हो जाएगा क्यू into that much of distance, क्योंकि QE ने इतना distance इसको, देखो इधर की तरफ distance कितना किया, ये ना PM distance, तो PM distance किया है बराबर kinetic energy final क्या हो जाएगा, half of m v maximum का whole square, तो QE into PM के जगह पे क्या लिखोगे, r upon 10 equal to half of m into v maximum का whole square। electric field का value क्या हो जाएगा, रो आर बाय 2 3 ε0, यानी कि रो आर बाय 6 ε0, रो आर अपॉन 6 ε0 इंटू आर बाय 10 इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर 5, यहां पर आ गया इज दैट ओके, यहां से क्या हो गया, देखो तो यहां से क्यू रो आर स्क्वायर अपॉन 30 ε0 इंटू एम का रूट इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, आ गया समझ में, इतना हो गया इस जगह पर इसकी वेलोसिटी, हमको निकालना है उसी पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है,
तो नॉर्मल डिरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उस जगह पे एक बार फिर से पिक्चर बना लेते हैं। इस जगह पे वेलोसिटी ऐसे है, नॉर्मल डिरेक्शन ऐसे है, क्यू ई ऐसे लग रहा है क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है, तो बाहर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर बाय टू, क्योंकि रेडियस है आर बाय टू। तो नॉर्मल इस दोनों को सम करके आएगा, तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा एन बराबर हो जाएगा क्यू ई प्लस में एम वी स्क्वायर बाय आर बाय टू। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के जब क्या लिखेंगे, रो आर अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो प्लस में एम वी स्क्वायर, यानी कि क्यू रो आर स्क्वायर अपॉन थर्टी एप्सिलॉन जीरो एम एम वी स्क्वायर बाय आर बाय टू। आर बाय टू सॉल्व कर लेना, इसका जो भी वैल्यू आएगा ऐड कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया बात, इजी था। एम से एम काट लो ना बाबा, देखो आर से सेम चीज आ रहा है, थर्टी सिक्स है ना, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर में फाइव और वन सिक्स, दैट्स इट, जो भी आ रहा है छाप लो। इस बार ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और कैविटी है, सेंटर है, ये आर है। इस बार हमने इस चार्ज को थीटा जो है यहां पर बहुत स्मॉल है, एक बात दिमाग में रख लो। अब हम इस चार्ज को यहां छोड़ दिए, अब पूछ रहा है कि जो टाइम पीरियड होगा उसका वैल्यू, क्योंकि देखे थे एसएचएम हो रहा था ना वहां पर, सॉरी पीरियोडिक मोशन हो रहा था, अब इस कंडीशन में एसएचएम होगा ऐसे ऐसे, उसका टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, यही सवाल है, समझ में आ गया बात। जो जो सोचे आ रहे हैं उसका वैल्यू आगे बढ़ाते जाओ, तो फिर से कैविटी हम बना दे रहे हैं, ये कैविटी है, फिर से याद हो गया, ये पूरा है, हम सिर्फ इस वाले का पिक्चर यहां बना रहे हैं, बार बार सेंटर दिख रहा है और हम इस जगह पर बात कर रहे हैं, ये थीटा एंगल है, समझ सकते हैं यहां पर होगा क्यू ई ऐसे करके फोर्स, एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, जिसका वैल्यू जाएगा क्यू ई का साइन थीटा। यहाँ जो क्यू साइन थीटा है, यही इसको इस पोजीशन तक लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसको कर देंगे रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा आई अल्फा, हो जाएगा ना रिस्टोरिंग टॉर्क, वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो आर बाई टू है, तो फोर्स कितना दिख रहा है, क्यू ई साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बस हमें, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, है ना, इस वाले मास का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया बनेगा अबाउट दिस, क्योंकि इसी का अबाउट ये घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर, एक ही पार्टिकल है, इंटू अल्फा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो, साइन थीटा बहुत छोटा है और यहां से हो जाएगा आर बाय टू, तो हो गया यहां से कुछ नहीं हुआ जी, अच्छा आर से आर खत्म हो गया ना, आर का स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, क्यू रो अपॉन ट्वेल्व एम एप्सिलॉन जीरो इंटू थीटा, ये हो गया, देखो तो ओमेगा स्क्वायर हुआ क्या, है ना, तो बाय कंपैरिजन क्योंकि अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है क्यू रो अपॉन टू एम एप्सिलॉन जीरो, टाइम पीरियड का वैल्यू टू बाय रूट ओवर ट्वेल्व एम एप्सिलॉन जीरो अपॉन क्यू रो, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, कुछ था ही नहीं, है ना, ये पार्टिकल के ऊपर एक जो फोर्स लगेगा उसका ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, ये हो जाएगा इसका मीन पोजीशन, है ना, और जो है यही है, है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कैविटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें गॉस लॉ के और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस होने वाले हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होने वाले हैं, क्योंकि अगला जो आई थिंक जो अगला वीडियो होने वाला है वो न्यूमेरिकल का ही होने वाला है, ठीक है, तो गॉस लॉ समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा, गॉस लॉ के एप्लीकेशन अभी बहुत सारे हैं बाकी हैं,
हम उनको धीरे धीरे करके इनकाउंटर करते जाएंगे, लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तब तक के लिए लाइक कर दो, सब शेयर सब्सक्राइब।